नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम एक मुलाकात लेकर। और हमेशा की तरह हम आपकी मुलाकात कराएंगे आज एक बहुत ही बेहतरीन शख्स से, जो ना सिर्फ नौकरियां देते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, बल्कि भर्तियां भी करते हैं और साथ साथ में प्रमोशन भी करते हैं। इसके साथ साथ प्रदेश में जो आग का सिलसिला है उसको कैसे रोका जाए, अग्निशमन कैसे बेहतरीन किया जाए, उसके भी चेयरमैन हैं। हमारे साथ राजकुमार विश्वकर्मा जी हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड और प्रोन्नति के चेयरमैन हैं और साथ ही फायर ब्रिगेड के भी चेयरमैन हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बोर्ड हेडक्वार्टर में। बहुत शानदार काम कर रहे हैं सर आप, लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं और इससे बेहतरीन काम कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आज का युवा अगर उसको एक नौकरी मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। जी जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा हम बिल्कुल सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग विगत 3 वर्षों से, आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, 1,37,000 से ज़्यादा हम लोगों ने बच्चों को रोजगार दिया है और जिसमें करीब 20% महिलाएं शामिल हैं। अगर आप जानना चाहें थोड़ा सा 1,37,000 का ब्रेकअप, तो मैं आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा, इसमें 4,346 सब इंस्पेक्टर रैंक के लोग हैं, 194 PAC में प्लेटून कमांडर्स हम लोगों ने भर्ती किए हैं, फायर सर्विस में 81 लोगों को भर्ती किया हुआ है, कांस्टेबल रैंक पर जिसपे कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है 88,298 लोगों की भर्तियां हुई हैं और ये अपने आप में मेरे ख्याल से पिछले 15 सालों में जितनी भर्तियां हुई होंगी उसके पूर्व उतना हम लोगों ने विगत 3 वर्षों में भर्तियां की हैं। तो 88,298 हमारे कांस्टेबल भर्ती हुए हैं, लगभग जिसमें 20,000 महिला कांस्टेबल्स हैं। आपके लिए मैं जरूर इंफोसाइज करना चाहूंगा, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि महिलाएं हमेशा पीछे रह जाती हैं। और इसके साथ में इसके अलावा 42,615 PAC में हमारे जवान भर्ती हुए हैं, 832 अन्य पदों पर और 220 मिनिस्ट्रियल और 667 कंप्यूटर ऑपरेटर्स हमने भर्ती किए हैं जो हर थानों पर FIR लिख रहे हैं। तो इस तरह से 1,37,000 प्लस लोग। ये तो ये भर्ती थी कि आपने 1,37,000 भर्ती किया, ये लोगों को रोजगार दिया, बढ़िया। आइंदा आप आगे क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल था बीच में, अब 2021 शुरू हो रहा है, अब कितने लोगों को नौकरी देने का इरादा है? हाँ, हम लोगों ने 6 महीने से जब कोरोना का इफेक्ट था उस समय हम लोगों ने पूरी प्रिपरेशन कर लिया है, हमारा ऑफिस बंद नहीं हुआ बच्चों के लिए, और उस पीरियड में हम लोगों ने पूरी प्रिपरेशन करके अभी कुछ दिन पहले ही जेल वार्डन के लिए और फायर सर्विस डिपार्टमेंट के लिए और घुड़सवार पुलिस के लिए हमने अभी रिटर्न करवाया है और हम प्लान कर रहे हैं कि जनवरी के एंड में इसका रिजल्ट निकाल देंगे और फरवरी में बच्चों की दौड़ करवा के मार्च में फाइनल हम जेल के लिए लगभग 3,000 प्लस कर्मचारी हैं और माउंटेड पुलिस के लिए 102 और फायर सर्विस के लिए 2,065 डिफरेंट फायर स्टेशंस के लिए इनका नियुक्ति हम बहुत जल्दी से जल्दी मार्च तक कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है जो बच्चे जानना चाहते हैं, हमारी सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती आ रही है जिसमें कि टोटल संख्या 9,500 के लगभग है और इस 9,500 में करीब करीब कुछ प्लेटून कमांडर्स हैं, 100 के करीब फायर सर्विसमैन हैं और बाकी 9,400 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती है जिसमें 20% महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो हमारे जितने बच्चे मेहनती हैं सारा प्रिपेयर करते रहे, हम लोगों ने टेंडर कर दिया कार्यदायी संस्था के लिए और वो उस टेंडर का पूरा अप्रूवल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजा हुआ है, फाइनेंशियल अप्रूवल भी आ गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए गया हुआ है, शासन में जैसे ही आता है हम तैयारी कर रहे हैं और बच्चों को टाइम देंगे, 1 महीने का कम से कम हम देंगे टाइम बच्चों को अप्लाई करने के लिए, बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और अभी जो टेंटेटिवली मैंने सोचा है कि मार्च में इनका एग्जाम करवाएंगे ऑनलाइन एग्जाम और उसके बाद दौड़ करवाएंगे, तो बच्चे तैयारी करें। और मेरे ख्याल से इतनी बड़ी सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए भर्ती अभी तक कोई यूपी के इतिहास में नहीं आई है। टोटल कितनी भर्तियां करेंगे 2021 की अगर हम बात करें? टोटल अगर हम मैं बताऊं आपको तो ये भर्तियां हैं 16,629 भर्तियां, जिसमें ASI मिनिस्ट्रियल की 1,329 हैं और रेडियो डिपार्टमेंट की, ये जो बच्चे BTech हों, डिप्लोमा किए हों, ITI किए हों इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके लिए अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट ने हमें अप्रूवल दिया है 2,244
रेडियो ऑपरेटर्स, हेड ऑपरेटर्स एंड रेडियो डिपार्टमेंट के डिफरेंट रैंक्स में, ये टेक्निकल पोस्टें हैं इनके लिए। तो जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से किए हैं, बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो तैयारी किए रहें। इसकी भी हम लोगों ने टेंडर की कार्रवाई प्रारंभ कर दिया है और इसका भी अप्रैल के आसपास हम एग्जाम करवाएंगे, तो बच्चे तैयारी कर, मतलब इस बार भी हजारों लोगों को, बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। और 16,600 लोगों को मैं समझता हूँ 3 से 4 महीने लगेगा हमको इसको फाइनलाइज करने में, हम लोग फाइनलाइज कर लेंगे। आपने कहा कि महिलाओं को भी आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 20% महिलाओं को कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी शानदार खबर है क्योंकि महिलाएं अक्सर पीछे रह जाती थी। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं, हम लोग भी करीब 15-16 जिले में रहे हैं SSP, और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हर थाने पर ऑन एन एवरेज आप पहले देखेंगे तो कहीं एक कर्मचारी रहती थी महिला कर्मचारी, कहीं दो कर्मचारी, और महिलाएं जो शिकायत करने पुलिस स्टेशन पर आती थी वो हेजिटेट करती थी। विगत 3 वर्षों में हम लोगों ने करीब 20,000 महिलाएं रिक्रूट किया है, 1500 थाने, अगर ऑन एवरेज आप देखें 20,000 डिवाइडेड बाई 1500 तो आपको सफिशियंटली 9-10 महिलाएं हर पुलिस स्टेशन पर मिलेंगी। मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि एक महिला डेस्क बने जहां पर महिलाएं अगर शिकायत करने जाएं, क्योंकि अक्सर ये शिकायत आती है कि पुरुष फिर उनको प्रताड़ित करते हैं और दूसरी तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। नहीं, हमारे लिए देखिए बहुत गर्व की बात है कि महिलाएं हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार की सदस्य हो रही हैं और इतनी संख्या में आ रही हैं, और हम लोगों ने मौका भी दिया है उनको, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया है उनको, और खासकर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँ, बहुत सारी ट्राइबल एरिया की लड़कियाँ आ रही हैं हमारे पास, तो शेड्यूल ट्राइब लड़कियों की संख्या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी किसी समय में उत्तर प्रदेश पुलिस में, अभी उनकी भी संख्या ठीक ठाक आ रही है और हम लोग पुलिस स्टेशन पर पोस्ट किए हुए हैं, तो मैं समझता हूँ उससे जो नेचर एंड कैरेक्टर है उत्तर प्रदेश पुलिस का अच्छा होगा, व्यवहार भी अच्छा होगा, और महिलाओं की तमाम हमारी समस्याएं हैं वो जरूर भविष्य में। आपने महिलाओं की समस्या की बात की, सबसे बड़ी समस्या कि थाने में पुरुष तो कहीं भी टॉयलेट चले जाते हैं लेकिन महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है। महिलाएं भर्ती कर ली गई, 20% महिलाएं हैं लेकिन पुलिस थानों में उनके लिए सुविधा नहीं रहती। इस विगत 3 वर्षों में हम लोगों ने, जहाँ तक ट्रेनिंग सेंटर्स की बात है, पुलिस स्टेशन्स की बात है, हमारे फायर स्टेशन्स में लॉजिस्टिक्स में बहुत काम हुआ है। लॉजिस्टिक्स में बैरिक बनाना हो गया, ट्रेनिंग सेंटर बनाना हुआ, इनके लिए टॉयलेट्स हो गया, जैसे PAC में भी आप देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस में इस मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर काफ़ी काम हुआ, क्योंकि ये बात सही है, और जिस स्पेस से थोड़ा सा हमने रिक्रूट किया है उस स्पेस से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाया, लेकिन वक्त की बात है, मैं समझता हूँ 1-2 सालों में धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आप बता रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो और अच्छा हो जाएगा, इनके लिए कोई तकलीफ नहीं होगी इनको। आपने ट्राइबल लड़कियों की बात की कि ट्राइबल की लड़कियाँ आ रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि वो भर्ती आ नहीं पाती, जैसे 69,000 जो शिक्षकों, सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई उसमें 1,133 भर्तियाँ रिक्त रही क्योंकि वो मिल नहीं पाते, सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं। क्या आपको सुटेबल कैंडिडेट मिल जाते हैं ST ST के? जहाँ तक शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स की बात है उनमें मेल्स तो मिल जाते हैं, लेकिन शेड्यूल ट्राइब में फीमेल कैंडिडेट्स नहीं मिलती हैं, और उसकी वजह से हम लोग फीमेल की वैकेंसीज को शेड्यूल ट्राइब मेल कैंडिडेट से भर लेते हैं। हम लोगों ने इस पर विचार किया है, और एक शायद रिमोट एरियाज में शेड्यूल ट्राइब्स हमारे, अगर आप देखें कंसंट्रेशन उनका या तो नेपाल बॉर्डर पर है और या तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली में है, तो हम लोगों ने इंटरनली डिस्कस करके अभी ये तय किया है कि इस जो हमारे बहुत ही पिछड़ा इलाका है चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर का, यहाँ पर हम एक सेंटर जरूर इनके लिए रखेंगे, और खासकर जो लड़कियाँ हैं शेड्यूल ट्राइब की वो वहीं एग्ज़ाम दें और वहीं जो फिजिकल करना हो करें, और जो भी सहायता वहाँ के तीनों SSP जो हैं मिल के करेंगे, जिससे कि आने वाले दिन में जैसे सब इंस्पेक्टर्स की हम कर रहे हैं, पिछली बार भी जब हमने सब इंस्पेक्टर का किया था तो शेड्यूल ट्राइब महिलाओं की पोस्टें खाली हो गई थी, तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि एक सेंटर वहाँ जरूर बनाएं इन तीनों एरियाज में से कहीं एक, जिससे कि वहाँ की हमारी जो बेटियाँ हैं शेड्यूल ट्राइब की वो जरूर आएँ पुलिस में। ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी पहल होगी क्योंकि मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, वो अभी मुसहर जाति को उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उनको राजस्व गाँव में कन्वर्ट कराया है, तो ये मुझे लगता अच्छी पहल होगी। ST की लड़कियाँ भी जब आएंगी तो, और लड़के भी आएंगे, तो दूसरी तरफ जो नक्सलवाद है उसको भी आप काउंटर कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल उस ओर हम लोग विशेष ध्यान देंगे, फ्यूचर में जितनी भर्तियां होंगी तो एक जरूर उधर सेंटर खोले रहेंगे। बड़ी बात ये कि जो कोई भी भर्ती निकलती है तो उसमें आरोप जरूर लगते हैं कि धांधली हो रही है, आपने इसमें ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए क्या क्या उपाय करा? हमने नंबर एक, आप देखें जो हमारी OMR सीट है वो 3 कॉपियों में है, एक बच्चा अपने घर ले जाता है,
एक हमारे बोर्ड के पास आती है, तीसरा जो कार्यदायी संस्था है, एजेंसी है, उसकी स्कैनिंग के लिए चला जाता है। हम बच्चे इम्पर्सनेशन ना करें, एक बच्चा दूसरे बच्चे की जगह एग्ज़ाम न दे, इसलिए हम उसका 4 फिंगरप्रिंट लेते हैं। 2 तो हम उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर लेते हैं, 1 अटेंडेंस सीट पर लेते हैं, 1 OMR सीट पर भी अनूठे का निशान लगवाते हैं। उसके अलावा जब आप हमारी दौड़ देखें तो वहाँ पर उस समय अभी हम फिंगरप्रिंट का मिलान करते हैं, जिससे कोई एक बच्चा दूसरे की जगह ना दौड़े। और दूसरा RFID टैग लगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग लगा रहता है, जो मिली सेकेंड में आपको बताएगा कि 16.346 सेकेंड में ये बच्चे ने कम्प्लीट किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, परफेक्ट है, सबके सामने होती है। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं आपको, जब हम लोग रिजल्ट निकालते हैं, जैसे अभी हमने 49,000 बच्चों का रिजल्ट निकाला, हर बच्चा पूरे 49,000 का डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स के डिसेंडेड टॉपर नंबर 1 पर, उसके बाद नंबर 2, फिर नंबर 3, इस तरह से 49,000 बच्चों का सीक्वेंस में हर बच्चे का नाम, एड्रेस और कितने मार्क्स पाए आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की भी डेट में आप हमारी यूपी पुलिस की वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास अपनी फाइल पर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम सारा का सारा अपलोड नहीं कर दे रहे हैं। नहीं सर, आप इतना फुल प्रूफ इंतजाम करते हैं, लेकिन जो स्कॉलर गैंग होता है वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट बन जाता है कभी कभी। बीच में एक स्कॉलर गैंग बिहार का था, उसने इंटरफेयर किया और जो आपकी जो संस्था है TCS, उसके साथ मिल करके घपलेबाजी कर दी थी। जी सही बात है, इम्पर्सनेशन की शिकायत हम लोगों को मिलती है, और इसी वजह से आप देखिए कि जो 4 फिंगरप्रिंट लेते हैं हम, तो करते क्या है, उसके बाद दौड़ में हम उसको मिलान करते हैं, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, उसमें मिलान करते हैं। पिछली बार जब हमने 49,000 बच्चों का रिजल्ट निकाला, तो 129 ऐसे बच्चे थे जिनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया, फाइनल रिजल्ट में आ रहे थे और उनका फिंगरप्रिंट लिखित और जो दौड़ का था दोनों डिफरेंट थे। हम लोगों ने वो 129 को रिजल्ट से बाहर कर दिया, मेरिट पे आ रहे थे, रिजल्ट से बाहर कर दिया, विदहोल्ड कर दिया। तो कोई बच्चा इम्पर्सनेशन करके तो हमारे एग्जाम तक तो पहुंच सकता है, लेकिन फाइनल कार्रवाई में आगे बढ़ जाए ऐसे संभव नहीं। नहीं, स्कॉलर गैंग सर इतना स्मार्ट है ना कि वो थंब इम्प्रेशन भी बना लेता है, डुप्लीकेट थंब इम्प्रेशन बना करके भी अंगूठे पे लगा लेता है। नहीं तो जब दौड़ होती है तो दौड़ तो ऑनलाइन अपने सामने ही लगवाते हैं हम लोग, तो आप एंट्री तो शुरू में ले सकते हैं लेकिन सफल नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट में रिजल्ट जब हम जारी करते हैं, जैसे हमने 49,500 का जारी किया, पूरे 49,500 बच्चों का आप फिंगरप्रिंट उनका जब लिखित का और दौड़ का हमारे कंप्यूटर पर आप देख सकते हैं, अपने आँख से देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। वो 129 हाईकोर्ट भी गए थे, हाईकोर्ट में हमने उनका फिंगरप्रिंट सबमिट कर दिया, कईयों को हमने जेल भी भेज दिया इसलिए। एग्जैक्टली तो कई बिहार के बच्चे हैं, वो पढ़ने में तेज रहते हैं तो उनके जगह बैठ जाएंगे, तो ये चीज़ जो है वो फाइनल रिजल्ट में नहीं आ सकते हैं, लेकिन हाँ प्रोसेस में एंट्री कभी कभी ले लेते हैं। चलिए सर, समय समाप्त हो गया, हमारे पास समय इतना था, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे फायर फाइटिंग के लिए भी, और जो बच्चे नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना? जो बच्चे नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि बड़ी अच्छी खबर उनके लिए है कि लगभग 16,500 भर्तियाँ अभी हाल में हम 4-5 महीने में प्लान कर रहे हैं। बच्चे सब इंस्पेक्टर्स का बहुत क्रेज रहता है इनमें, सब इंस्पेक्टर बनने का, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, वो अपना मेहनत से तैयारी करें। और मैं समझता हूँ जो लड़कियाँ भी हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है कि 9,500 भर्तियाँ आ रही हैं और इनमें बच्चों को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जहाँ तक फायर का प्रश्न है, हम विश्वास दिलाते हैं कि जो हमारे एक्स्ट्रा 100 फायर स्टेशन हैं, 1-2 साल में रेडी हो जाएंगे। और जहाँ तक NOC की बात है, अगर किसी तरह की किसी को तकलीफ हो तो ज़रूर हमको बताएं, हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं हेडक्वार्टर से कि NOC की प्रक्रिया सिंपल हो, आसान हो। और दूसरे एंड पर लोग ये भी देख लें कि जो NOC की प्रक्रिया में जो तमाम सारी फैसिलिटीज़ लगानी पड़ती हैं वो भी जीवन बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो सहयोग दोनों तरफ से ज़रूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये है राजकुमार विश्वकर्मा जी, जो UN में भी रहे हैं और कई राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं, और हमें बता रहे हैं कि अगले एक साल में ना सिर्फ फायर फाइटिंग का सिस्टम बहुत ही मजबूत होगा, बल्कि जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उसमें भी तमाम नौकरियां लोगों को मिलेंगी, नवयुवकों को रोजगार मिलेगा, ये बहुत ही खुशखबरी होगी उन नवयुवकों के लिए भी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाज़त, हमारी टीम